आइए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी कि तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, पुनि आवन पावत नहीं माँ कह बंद तिवार। जब राम की महिमा लिखा उन्होंने तो राम पर पूरा ग्रंथ लिख दिया कि राम न सकहि नाम गुण गाही। यदि राम को स्वयं बैठा दिया जाए कि अपने नाम का गुणगान करो तो राम भी शायद न कर पाए, कलम तोड़कर उन्हें फेंक देना पड़े। और उस पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिसने अपने पुत्र का नाम राम रखा, और राम रखने के बाद भी जब उनके अंदर की अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो उनका नाम राम भरत रख दिया, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। राम भरत की इस जोड़ी को मैं बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है राम भरत। हमारे बीच एटा से पधारे हैं अपने प्यारे प्यारे सुरीले गीतों के साथ। राम भरत जी मंच पे स्वागत है, जोरदार तालियां बजाइए। मंच की सभी महान विभूतियों को यथायोग के वंदन करते हुए सदन में बैठे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ और वरिष्ठ जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जनपद एटा से प्रतिनिधित्व करता हूं, दीदी ने बुलाया है। मैं चार पंक्तियों में अपना परिचय देता हूं अस्थाना जी कि मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, कि मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, जिसमें आंसू पूजा जाए इतना विस्तृत भूगोल नहीं, कि मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, जिसमें आंसू पूजा जाए इतना विस्तृत भूगोल नहीं। मैं रंगहीन तस्वीर हूं वो जिसको कि चितेरा रंग न सका, कि मैं रंगहीन तस्वीर हूं वो जिसको कि चितेरा रंग न सका, बस इसीलिए उनकी झीलों में करते हैं हंस किलोल नहीं। क्या बात है, मैं आंसू हूं उन आंखों का क्या कविता है। और एक दो मुक्तक देखें कि कभी बनाए थे जो रिश्ते वो अनचाही भूल हो गए, कि कभी बनाए थे जो रिश्ते वो अनचाही भूल हो गए, चुनकर तो कलियां लाए थे जाने कैसे सूल हो गए, और रोज मिला करते थे हमसे जो सुबह और शाम कभी, कि रोज मिला करते थे हमसे जो सुबह और शाम कभी, दर्शन भी दुर्लभ है उनके वो गुलर का फूल हो गए, दर्शन भी दुर्लभ है उनके वो गुलर का फूल हो गए, दर्शन भी दुर्लभ है। अच्छा, वाह 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 बढ़िया। मित्रों, चूंकि मैं अपनी साहित्यिक भाषा में कहूंगा, दादा ने वैसे मुझे श्रृंगार के गीतों के लिए कहा, सुनाइए सुनाइए, लेकिन मैं आज सरला दीदी ने कार्यक्रम अपने पिताजी की स्मृति में रखा है, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो मित्रों में चार पंक्तियां दीदी के लिए, मतलब सारी मातृ बहनों के लिए, कि पुत्र यदि वेद तो मोक्ष है बेटियां, कि पुत्र यदि वेद तो मोक्ष है बेटियां, कि पुत्र यदि वेद तो सार हैं बेटियां, और पुत्र यदि मोक्ष तो द्वार हैं बेटियां, और पुत्र आशीष हैं घर बुजुर्गों का तो, कि पुत्र आशीष है घर बुजुर्गों का तो, देवताओं का भार है बेटियां, देवताओं का भार है बेटियां। अच्छा, और चूंकि मैं कृष्ण की नगरी के समीप से आता हूँ तो चार पंक्तियां उनके लिए और कह देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी ब्रज है तो मैं ब्रज धाम से ही आता हूं। कि नंदी गांव के नैन निहारे मन तरी से वृंदावन का, कि नंदी गांव के नैन निहारे मन तरी से वृंदावन का, ओ बरसाने के नैना बरसे को गोकुल का तिनका, कि उद्धव जी तुम अब आए हो पाठ पढ़ाने कान्हा का और पाती का आखिर आखिर ज्यों माला का मन का मन का कि पाती का आखिर आखिर ज्यों माला का मन का मन का। ये मित्रों मैंने मंच के सम्मान के लिए कहा। अब जिस जो मैं कवि हूँ जैसा हूँ आपके सामने प्रकट होता हूँ चार बच्चों के साथ। स्वागत है। कि एक गलती मैं बार बार किया करता हूँ, कि एक गलती में बार बार किया करता हूँ, दुश्मनों पे भी एतबार किया करता हूँ। कि एक गलती में बार बार किया करता हूँ, दुश्मनों पे भी एतबार किया करता हूँ। और मेरी किस्मत में अमावस ही अमावस है मगर, कि मेरी किस्मत में अमावस ही अमावस है मगर, फिर भी पूनम का इंतजार किया करता हूँ, फिर भी पूनम का इंतजार किया करता हूँ। और मैं एक कविता के साथ विराम लूंगा क्योंकि बहुत सारे कवि हमारे मध्य मौजूद हैं, क्योंकि दादा ने कहा है कि समय का भी ध्यान रखना है। दादा देखें कि बाहों पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है, कि बाहु पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है, कि बाहु पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है, अंगों का वर्णन कर देना ही केवल श्रृंगार नहीं है। बाहु पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है, अंगों का वर्णन कर देना ही केवल श्रृंगार नहीं है। अरे प्रीत तो होती अंतर मन से जो महसूस हुआ करती है, कि प्रीत तो होती अंतर्मन में जो महसूस हुआ करती है, बिना प्रीत इस प्रेमी मन की सांसों का संसार नहीं है, बिना प्रीत इस प्रेमी मन की सांसों का संसार नहीं है, कि बिना प्रीत इस प्रेमी मन की सांसों का संसार नहीं है। कि चले आओ तुम्हारी राह में पलकें बिछाई हैं, कि चले आओ तुम्हारी राह में पलकें बिछाई हैं, तुम्हारे आगमन से ही बहारें दिल बिछाई हैं, और तुम्हारे बिन गुजारे दिन ये कैसे आपको लिखते। दादा हमारे टाइम में ये मोबाइल नहीं था। कि तुम्हारे बिन गुजारे दिन ये कैसे आपको लिखते, न जाने किन खताओं की सजाएं हमने पाई हैं, न जाने किन खताओं की सजाएं हमने पाई हैं। और एक छोटे से गीत के बाद विराम। कि रूठ जाओगी तुम, दादा 5 मिनट लूंगा। कि रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, कि रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। कि रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। और है ये कोमल बहुत मेरे दिल का सुमन, गर पुकारे तो तुम दौड़ी आना प्रिय। कि रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। और प्रथम बंद देखे। कि रूप का बाबुरा में कभी ना रहा, कि रूप का बाबुरा में कभी ना रहा, रूप की क्या है, एक दिन ये ढल जाएगा कि रूप का बाबुरा में कभी ना रहा। रूप की क्या है, एक दिन ये ढल जाएगा और मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, कि मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। बस यही सोच कर मुस्कुराना प्रिय, रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। और अगला बंद देखें दादा कि चांद और चांदनी सा अमर प्रेम ये, आस से सांस की है ये आराधना और हो प्रखर साधना मेरे जीवन की तुम, के हो प्रखर साधना मेरे जीवन की तुम। है ये दिल बस तुम्हारा दीवाना प्रिय, रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। के मन से मन के मंदिर की मोहक सी मूरत हो तुम, कि मन के मंदिर की मोहक सी मूरत हो तुम। और पुजारी है दिल मेरा चिरकाल से, और जानता हूँ मिलन अब ये संभव नहीं। है ये दुश्मन हमारा जमाना प्रिय, रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। और देखें कि तुम जहाँ भी, कि तुम जहाँ में जहाँ भी रहो खुश रहो, हम तो यादों में तेरी जिए जाएंगे और इश्क आँखों में होठों पे तेरी दुआ, कि इश्क आँखों में होठों पे तेरी दुआ। है ये इतना सा अपना फसाना प्रिय, रूठ जाओगी तुम तो मना लेंगे हम, बस मनाने पे तुम मान जाना प्रिय। जय हिंद, जय भारत।